एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 हक मिलेगा काम करेंगे वरना पहिया जाम करेंगे हक मिलेगा काम करेंगे वरना पहिया जाम करेंगे। आदरणीय साथियों, आज पूरे प्रदेश में गेट मीटिंग होने जा रही है। हमारे कई वर्षों से लंबित बड़े लाभ, रात्रि भत्ता, छठे वेतन आयोग का वेतनमान, कलपुर्जों की कमियां, स्टाफ की कमियां, इसके लिए आज पूरे प्रदेश में एचआरटीसी का कर्मचारी फिर से गेट मीटिंग करने जा रहा है। सभी डिपुओं में आज से गेट मीटिंग हो रही हैं और ये सिलसिला साथियों 19 देर तक गेट मीटिंगों का चलेगा। साथियों, हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी रात दिन सेवाएं देके अपने तीज त्योहारों से दूर रह के, अपने अन्य कामों से दूर रह के हिमाचल पथ परिवहन निगम में रात दिन सेवा देता है और हमारे कर्मचारियों को हमारा कमाया हुआ लाभ, हमारे व्यूज टाइम पर नहीं मिलते हैं। कई वर्षों से साथियों हमारा नाइट ऑफ टाइम नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हमें बार बार आंदोलन करना पड़ा जा रहा है और सभी विभागों में छठे वेतन आयोग का लाभ जो है मिल रहा है, लेकिन निगम में आज तक सरकारें सोई हुई हैं और इसके लिए हमें एजिटेशन करना ही पड़ेगा, आंदोलनरत रहना ही पड़ेगा। साथियों, हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी जब भी कोई अपना कमाए हुए राशि के लिए उसको आंदोलन करना ही पड़ा है, आज तक सरकार ने आज तक बिल्कुल स्मूथली हमें कुछ नहीं दिया है, जो कुछ भी आज तक लिया है आंदोलनरत होके ही लिया है। तो साथियों, हमें जो है एकत्र होना पड़ेगा, एक साथ होके, एक साथ मिलजुल के सरकार को जगाना पड़ेगा और सरकार को हमारी जो है मांगे माननी ही पड़ेगी। साथियों, संघर्ष की राह में संघर्ष, हम दोस्तों जब माँ के पेट से निकलते हैं तो हमारा संघर्ष शुरू हो जाता है, संघर्ष मरते दम तक खत्म नहीं होता है। जब हमारा कहीं हानि होती है, जो हमने कमाया होता है हमें नहीं मिलता है, तो हमें जो आंदोलनरत रहना पड़ता है। दोस्तों, संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा, संघर्ष की राह में जवान हमारा पलता है, संघर्ष की राह में जवान हमारा पलता है, संघर्ष जिस ओर चलता है जमाना उसी ओर चलता है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे सुनना पड़ेगा, इंसाफ के आगे सुनना पड़ेगा। हर जोर जुर्मी की टक्कर में हर जोर जुर्मी की टक्कर में हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दो चार स्पीच दवा लेने है ना, ना तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे, फिर तुझे देंगे रे स्पीच। वो जी बोल रहे हो और बड़ा बात हो रही है सही। हां जी सर, मैं ओम शंकर, ड्राइवर यूनियन चंबा प्रधान, मीडिया वाले जो आज हमारे बीच में आए हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे जो साथी कर्मचारी गेट पे आए हुए हैं मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। आज की हमारी जो गेट मीटिंग है वो 25 अप्रैल को हमने एक ज्ञापन परिवहन निर्देशक शिमला उनको दिया था और हमने उसमें ये कहा था कि अगर 11 तारीख तक
आप हमें बार तक नहीं बुलाते हैं तो 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक हमारा जो है गेट मीटिंग का आयोजन जो है वो शुरू होगा, लेकिन इन्होंने नहीं बुलाया, इसलिए आज हमें फिर गेट के ऊपर आना पड़ा। हमारा जो छठा वेतन आयोग है वो अभी तक नहीं मिला है और कई हमारे वित्तीय लाभ हैं वो हमें नहीं मिले हैं। वर्कशॉपों में जो हमारे मैकेनिक के पद जो हैं वो अभी खाली पड़े हुए हैं, इनके ऊपर भी बहुत दबाव पड़ा हुआ है। हमने सब कुछ एक मांग पत्र में दिया MD साहब को, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई गौर नहीं की। और हमारे एक सीनियर चालक का जो हमने दिया था एक पॉलिसी बनाने के लिए, वो भी आज तक नहीं हुई ना। हमें पूरी टाइम से जो है HRDC के सभी कर्मचारियों को जो तनख्वाह जो है वो कभी 4 तारीख को, कभी 6 तारीख को, कभी 11 को, कभी 16 को, कभी 18 को, ऐसे हमें जो तनख्वाह दी जाती है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से भी और प्रबंधक महोदय जी से भी कि जो हमारा वेतन जो है वो 1 तारीख को दिए जाए और जो छठा वेतन आयोग है इसको जल्दी से जल्दी एक महीने के अंदर जो है इसको लागू करें। अगर ये हमारी मांगें जो है पूरी नहीं हुई तो हम जो है इस जो हमने गेट मीटिंग का दौर शुरू किया है या के 19 तारीख के बाद जो है हमारी और रणनीति बनेगी। अगर सरकार ने हमें बात तक नहीं बुलाया, MD ने बात तक नहीं बुलाया, तो 19 तारीख के बाद एक हमारी रणनीति बनेगी, उसके आगे जो निर्णय लिया जाएगा उसके तहत हम फिर आगे एक इस आंदोलन को जारी रखेंगे।